ईशा कामरा फ्रॉम से गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? आई होप दैट ऑल सब ठीक होंगे। तो बस आ देंगे शुरुआत। तो परी उठ के आ गए आप? अब परी ठीक है गाइस, देखिए परी ठीक हो ना? बाबू ठीक हो ना? तो गाइस आज बुखार नहीं चढ़ा परी को, तो थैंक गॉड, बहुत बहुत भगवान का शुक्र है। तो गाइस कल डॉक्टर के पास लेके गए थे मेडिकल कराने परी को, तो डॉक्टर ने बोलता कि अगर फीवर चढ़ेगा सुबह तो हम एडमिट करेंगे, लेकिन वो नौबत नहीं आई और ना ही आए किसी को हॉस्पिटल जाने की। तो हॉस्पिटल जाके थक भी बहुत है और परी भी परेशान हो जाती है, लगती तो ये भी बहुत चिड़ी हो जाती। तो गाइस मैं शॉप पे, आप सोचो कि गुड मॉर्निंग कर रही है निशा, तो सुनील जी गए मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल, तभी फ़ोन आया था मम्मी का, वहाँ पर ना साइन वाइन कुछ करने थे, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गए हैं। तो जैसे आएंगे तो आपको ब्लॉग भी दिखाएंगे, बताएंगे कि मम्मी की कैसी कंडीशन है, क्या है। और शाम को मैं भी जाऊँगी तो आपको ब्लॉग भी दिखाऊँगी मम्मी कैसी है। कल मैं गई थी आईसीयू में मम्मी को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं करने दी, कह रही बाहर से देख लो, अंदर जाने नहीं देते। तो आज अगर वार्ड में शिफ्ट होंगी तो आपको सारा ब्लॉग में दिखाऊंगी। चला परी के डैडी, बढ़िया परी मम्मी कैसी है? परी का बुखार चुड़ैल को भगा दिया। पहले बता परी का बुखार कैसा है? एकदम ओके। गाइस सुबह जिस बात का डर था ना, मैं शुक्र है वो नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह इसको बुखार चढ़ा तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, पर शुक्र है इसको बुखार नहीं चढ़ा तो अब हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, घर पर ही देख सकते हैं। क्या हुआ मम्मी का? मम्मी का ना एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, वो ना मम्मी को ना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब ऑक्सीजन लेने में ऑक्सीजन कम आ रही है। वैसे लगा रखा उन्होंने, अब वो उतारते हैं तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाती है थोड़ी देर में, वो एक दो दिन लगेंगे रिकवरी होने में। मेरा वो मैंने कहा इनको वार्ड में कब से करेंगे, कह रहे देखते हैं इनके ऑक्सीजन ठीक हो जाए तो इनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। कह रहा बाकी अभी डॉक्टर हैं, अभी आ रहे हैं तो एक बार उनसे बता करते हैं। डॉक्टर शाम को आएगा, मैं 6 बजे तो मैं एक बार 6 बजे जाऊँगा, फिर डॉक्टर से बात करता हूँ। तो गाइस पूरी अपडेट दूंगा आपको, टेंशन ना लो। मम्मी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, 50% बेटर है, और परी जो है हमारी 90% बेटर है। सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खाना कैसा बना? खाना बढ़िया बना, चने की दाल और चावल, बहुत टेस्टी खाना है। खाओ फिर बताओ। तभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी कह रहे हैं ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है, तो चेस्ट में थोड़ा बलगम फंसा होगा, वो क्लीन करेंगे तो उसके बाद ही कुछ बताएंगे। अभी डॉक्टर कह रहे हैं भी आईसीयू में रहेंगे एक दो दिन और। तो मम्मी की तो अभी हालत सुधार में नहीं है, तो मम्मी भी कह रही है अभी नींद में है, मैं मिलने आई थी तो नींद में है अभी, तो अभी डॉक्टर से बात कर दूँ क्या करते हैं। आ गया छोटू? आ गया, आ गया। बड़े दिन लगाया खाटू शाम? तो परी बीमार हो गई, आंटी बीमार हो गई, जय खाटू श्याम। दर्शन दर्शन सही हो गए थे? भीड़ थी? खाली पड़ा था। बढ़िया हो गया ना दर्शन? बहुत बढ़िया। उठ गए? अभी क्या बोल रहे थे आप? ऐसे कर लिया, ऐसे कर लो। अब तो मैं ठीक है आपकी? मैडम का फोन आया था आपके स्कूल से, हाँ कह रही कि परी को स्कूल भेजो। नहीं, नहीं जाना। अब तो मैं ठीक है आपकी? तबीयत खराब है। खराब है क्या हो रहा है? बाप को बताओ। फीवर और फीवर तो भगा दिया। ये अब परी को, अब परी के चैनल को क्या करो? डैडी के लिए एक लाइक बनता है भाई, है ना? रोटी कब कब खाता है? सुबह खाता है। जब डैडी मोबाइल देते हैं तब खा लेता? खुद नहीं खाता। मम्मी खाती नहीं है। मम्मी खिलाती नहीं है और डैडी? तो फिर कब खाता है? जब मोबाइल देखता है। मोबाइल देखता है रोटी खा लेता है? कौन दिखाता है मोबाइल? मोबाइल कौन दिखाता है? मम्मी तो नहीं दिखाती आपको? दिखाती है। दिखाती है।
मैंने दिखाती डैडी दिखाते ये तो डैडी दिखाते हैं डैडी तेरे शिकंजे में फंसते हैं हम नहीं फंसते डैडी दिखाते हैं मम्मी नहीं दिखाती हम बाल देख के रोटी खाएगी हां अरे क्या लाए ये क्या है आपका कहाँ लगाते हैं ये कान वाला इसमें गाने सुन रहे हो चाचू गाता है आपका नहीं आता नहीं। ये नकली वाला है ना हाँ। डैडी को ला असली वाला ले देंगे आपको जिसमें आपको गाने सुनने को मिलेंगे कैसे डांस ही ऐसे करता डिम 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 अट्रम बट्रम कैसे बोलती है अली के चकड़ा अकड़ी के बोल कैसे बोलती है परी बोल ना देखो अरे वो तो बहुत अच्छा है ये पिंक कलर है यस किसके साथ मैं चाचू से खेल ले क्यों क्यों डैडी से खेलेगा अभी आप हॉस्पिटल गए थे ना इतना रोई पूछो मत मेरे डैडी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए बेटा दादी को देखने गया था ना दादी को हुई हो रही ना हॉस्पिटल में दादी आपको पता नहीं है क्या हुआ क्या कह रहे हैं डॉक्टर दादी में कौन जाएगा पति ये ले खेल ले बोल ले खेल ले बस आप ठीक हो कैच कर लिया लाओ दिखाओ मुझे दिखाओ मैं कैच कर लिया ओए 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 कैच कर लिया अब परी कैच करेगा परी तो कराएंगी क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर है सुनील जी अरे मम्मी को ना वो हो गया चेस्ट में ना इन्फेक्शन हो गया गाइस मम्मी के तो इन्फेक्शन की वजह से ना उनका ऑक्सीजन ना बार बार कम हो रहा है 92 डॉक्टर कह रहा है 92 होना चाहिए बार बार 72-75 ऐसे हो रहा है तो कह रहे हैं अब जब तक इनका इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा ना तो मम्मी का मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता रहेगा मैं भी शाम को गई थी ना तो वही डॉक्टर कह रहे हैं कि चेस्ट में इन्फेक्शन है बहुत अभी वो जैसे जैसे लंग्स से पानी वो इन्फेक्शन निकलेगा ना उनके डॉक्टर ये भी पूछा ये कि इन्फेक्शन क्यों हुआ कह रहा भैया ये तो हम बता नहीं सकते क्यों हुआ इसके क्या कारण है क्या नहीं हम तो जो बीमारी है उसको ट्रीट कर सकते हैं कह रहे कल 18,000 पॉइंट थे कुछ ऐसी वो बता रहे थे कह रहे आज 16,000 है अच्छा तो कह रहे अब एंटीबायोटिक चढ़ा रहे हैं जैसे जैसे कम होगा तो उम्मीद है इनका ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगा वो एक दो दिन लगेंगे सेट होने बाकी वो कह रहे 4-5 टेस्ट अभी भेजे हैं कईयों की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आती है कईयों की 48 घंटे बाद कईयों की 72 घंटे बाद कह रहे अब 2-4 रिपोर्ट और आनी है उसके बाद फिर देखेंगे उसको ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ा तो करेंगे बाकी मम्मी को लगेगा अभी 2-4 दिन हफ्ता लगेगा अरे बिल्कुल ठीक होना तब छुट्टी लेना लगेगा मम्मी कोई बात नहीं वहाँ क्या इतना पता ही नहीं चल रहा था तो हॉस्पिटल वाले बता रहे कि ऑक्सीजन कम है उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी यहीं पे मम्मी बोल तो रही सांस में दिक्कत आ रही बाकी देखते हैं गाइस देखते हैं मम्मी क्या अगर यहाँ ठीक नहीं हो तो फिर कोई और हॉस्पिटल में एडमिट करा दो अरे पहले रिपोर्ट तो आने थे क्या रिपोर्ट है पूरी नहीं मैंने कहा भाई यार सही नहीं होता कई रिपोर्ट आनी है डॉक्टर कह रहा है पूरी रिपोर्ट आने दो उसके बाद फिर आपको पूरा बताएंगे क्या है क्या नहीं चलो फिर आपने कहीं चेक कराना हो तो करा भी लेना किसी और हॉस्पिटल जाना हो तो चले भी जाना फाइल ले जाना फोटो ले लेना वो मना नहीं कर रहे डॉक्टर डॉक्टर तो बेचारे बहुत अच्छे हैं चलो सही देखते हैं गाइस आप प्रे कीजिए मम्मी जल्दी ठीक हो जाए परी तुम्हारी ठीक हो गई है भगवान ने परी अभी थोड़ा ना वीकनेस अभी ये उतर नहीं पाती सीढ़ियों में से ना अभी नहीं भेजूंगी मैं मंडे से जाएगी अभी मंडे से भेजेंगे बाकी जब तक दादी भी ठीक हो जाए मैं गाइस देखते हैं फिर जैसा होता है तुम इसे सो जल्दी करो यार परी को सुबह स्कूल भेज देते हैं कल से अभी इसमें वीकनेस बहुत है सुनील जी अभी नहीं जा सकती उतर नहीं सकती सीढ़ियों से जब जाती मैं वो मैं कहती हूँ तारो मेरे को उठा के लेके जाओ परी आप में इतनी वीकनेस आ गई परी वो परी स्कूल भेज दूंगी उसको दिक्कत हो गिर भूल कहीं गई और दिक्कत हो जाएगी घर तो मैं चल सारे दिन संभाल लेती हूँ चल अभी काम का शुक्रवार है ना कल फ्राइडे है ना तो फ्राइडे तो जाना है सैटरडे और संडे से और वैसे हो गए मंडे से भेजते हैं थोड़ा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा तब तक क्या आपका दादी भी ठीक हो जाए और घर आ जाए हैं चल ठीक है अभी कोई बात नानी का फोन आया था नानी का स्कूल में भेज दियो सोचे ठीक होगी परी तो भेज दू कौन सी हमने की पढ़ाई है इसकी चल ठीक है फिर सो जा फिर और क्या करते हैं तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं तो मिलते हैं अगला ब्लॉग में और जल्दी फेसबुक को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए।
ओके गाइस, गाइस मम्मी नहीं है ना घर पे तो दिल नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा हो रहा है ना। जब तक तो मम्मी घर नहीं आएगी ना, घर ऐसे रहेगा, सुना सुना सा रहेगा।